अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल में आप सबको खुशामदीद करते हैं। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के आज हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के सारे लेक्चर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपने उन सारे लेक्चर्स को भी खूब इंजॉय किया होगा। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ हमसे पूछा जा रहा है कि अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डील करती है कॉम्पोजिशन से, स्ट्रक्चर से, मैटर से, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से, वो कौन सी ब्रांच है, तो इस ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम इस वीडियो के अंदर 65 के करीब एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 65 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है चैप्टर नंबर 1 के। तो इन एमसीक्यूज के बाद, 65 एमसीक्यूज के बाद आपको मजीद कोई दूसरा और एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। आइए एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 2 के नाम से जा रहा है, कहा जा रहा है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ। केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है किस चीज की, कॉम्पोजिशन की, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डील करती है हाइड्रोकार्बन के मुताबिक बात करती है, तो वो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 4 के अंदर, विच ऑफ दीज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच ऐसी है जो कि बात करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड की स्टडी के बारे में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो पढ़े जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर, द स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो कि इस चीज से मुताल्लिक है कि क्या एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन होते हैं और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, वो स्टडी कौन सी केमिस्ट्री की है, वो स्टडी है फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इमिशन ऑफ रेडिएशंस। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि रेडिएशंस की इमिशन से मुताल्लिक है फ्रॉम न्यूक्लियस, तो वो ब्रांच कौन सी है, तो आपको न्यूक्लियस से पहचान आना चाहिए कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात हो रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है बेसिकली ये स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी है। तो ये है ऑप्शन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं और उनके मुताल्लिक, उनसे बनने वाले जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की। तो एमसीक्यू नंबर 8 के नाम से कहा जा रहा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो के बात करती है कि हीट चेंजेस कैसे होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो हम पढ़ते हैं थर्मो केमिस्ट्री के अंदर। थर्म मतलब हीट, तो थर्मो केमिस्ट्री मतलब हीट वाली केमिस्ट्री, हीट की केमिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डील करती है कि केमिकल कंपाउंड्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है कमर्शियल स्केल पे, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच कहलाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अब अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 10 पे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 को। एमसीक्यू नंबर 10 के नाम से कहा जा रहा है इट इज एन एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस। इसमें ये जो है ये एक एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस है, तो एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस है केमिस्ट्री। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 11 के अंदर द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का एटॉमिक मास जब उसको एक्सप्रेस किया जाए ग्राम के अंदर तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। जब एक एलिमेंट का एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया जाए ग्राम के अंदर तो उसको कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास बराबर होता है 1 मोल के।
तो ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, इसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है, तो उस चीज का नाम है मिक्सचर। मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है, एलिमेंट एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता मजीद सिंपलर कॉम्पोनेंट्स के अंदर। ठीक है, इसको मजीद सिंपलर कॉम्पोनेंट्स में तोड़ा नहीं जा सकता, कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है केमिकली ओनली, केमिकली डिसोसिएट होता है सिर्फ और सिर्फ ये, सही ना, डिसोसिएट केमिकली ओनली। अच्छा, इस तरह से जो सब्सटेंस है सब्सटेंस भी केमिकली डिसोसिएट होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि एमसीक्यू नंबर 13 पे, द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो एटम से मिलकर बनता है, ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मतलब दो एटम्स, टू एटॉमिक वाला, टू एटम्स वाला मॉलिक्यूल कहलाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मतलब सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल, पॉली मतलब मैनी बहुत सारे एटम्स वाला मॉलिक्यूल, सही ना, हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम्स वाला मॉलिक्यूल, सही ना, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 14 में, अ फॉर्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो वो फॉर्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है और टाइप ऑफ एटम्स बताता है जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एक्चुअल फॉर्मूला, सही है, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो बताता है सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स बताता है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मतलब होमो मतलब सेम, सेम एटम्स वाला कौन है, NH2 सेम एटम्स नहीं है, CO2 सेम एटम्स नहीं है, CO2 सेम एटम्स नहीं है, H2 भी सेम एटम्स नहीं है, H2 जो है वो सेम एटम्स है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में एमसीक्यू नंबर 16 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, लेकिन ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा तो हम देखेंगे H2O2 है ना, तो इसके अंदर सबसे छोटा नंबर 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड करवा दे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा एक H और एक O बच जाएगा, सही ना, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HO, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज, एक मैटर का जो पीस है अपनी प्योर फॉर्म के अंदर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एलिमेंट या सब्सटेंस। मैटर का जो पीस होता है वो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर कहलाता है एलिमेंट, या एलिमेंट की बजाय हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं, एलिमेंट वैसे राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सब्सटेंस भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 18 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, डाई एटोमिक मतलब जिसमें दो एटम्स हो। ठीक है, तो O3 में 3 एटम्स हैं, H2O में भी 3 एटम्स हैं, CO2 में भी 3 एटम्स हैं, H2 में सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स हैं, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि एयर कंटेन्स 21% ऑफ दिस गैस बाय वॉल्यूम, हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है हवा उसमें 21% इस गैस का शामिल है। मैं आपको एयर की कॉम्पोजिशन बता देता हूँ, एयर की कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से कि 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है, 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस है, और लेस देन 1% यानी कि 0.03% के आसपास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन गैस को ले लेता हूँ, 21%, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स, एटम्स के सिंबल का कॉम्बिनेशन या आइंस के सिंबल्स का कॉम्बिनेशन जब उनको आपस में जोड़ दिया जाए केमिकली एक कंपाउंड के अंदर, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फॉर्मूला। सिंपल, एटम्स का होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा, एटम्स का कॉम्बिनेशन आइंस का होगा तो सिर्फ फॉर्मूला कहलाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है कि ये कहलाएगा फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, द नंबर इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला इन अ केमिकल इक्वेशन, वो नंबर जो केमिकल इक्वेशन में फ्रंट पे होता है वो क्या कहलाता है, वो नंबर कहलाता है कोफिशियंट, सही ना। जैसे कि अगर मैं लिखा हुआ है 2NH3, 2NH3 में फॉर्मूला की फ्रंट पे ये वाला नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर जो है फ्रंट पे ये कहलाता है कोफिशियंट। ठीक है, कोफिशियंट, और जो बिल्कुल फॉर्मूला की बैक पे लिखा होता है जैसे कि
यहाँ पर आप इस थ्री को देख सकते हैं, ये जो थ्री है ये बिल्कुल बैक पे लिखा हुआ है, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट के अंदर, ये क्या कहलाता है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। एमसीक्यू नंबर 22 में हमसे पूछा जा रहा है सिंबल डेल्टा क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। तो सिंबल डेल्टा रिप्रेजेंट करता है बेसिकली हीट को, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हीट को, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 23 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है Na रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रो नंबर को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है एवोगाड्रोस नंबर शोज द नंबर ऑफ डैश, एवोगाड्रोस नंबर क्या चीज शो करता है एक मोल के अंदर। एवोगाड्रोस नंबर बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स शो करता है एक मोल के अंदर, एवोगाड्रो नंबर को हम Na से शो करते हैं, तो ये है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, सही है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सभी पार्टिकल है ना, तो एवोगाड्रो नंबर बेसिकली सारे ही पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, एटम्स भी मॉलिक्यूल्स भी आइंस भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब, ऑल ऑफ दीज ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 1, तो सबको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे भी 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 1 से डिवाइड किया और यहाँ पे भी 1 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा H2S1 ही आएगा और ऑक्सीजन 4/1 4 ही आएगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका H2SO4 ही निकलेगा, कुछ और नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, बाकी कोई और ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर नहीं बन सकता। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 26 मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास जब उसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, 1 मोल का मास जब आप उसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है मोलर मास, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैंड इज, सैंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी मिट्टी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है SiO2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 28 एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहे हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12 और O6, तो हम यहाँ पे करेंगे सबसे छोटा नंबर है 6, सबको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा सी, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, हाइड्रोजन 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऑक्सीजन 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये बन जाएगा CH2O, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन चुका है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, एमसीक्यू नंबर 29 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है COOH और फिर दोबारा COOH, ठीक है ना, ये ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो आप देखें इसको ऐसे लिखा हो सकता है C2O4H2, ये ऐसे लिखा हो सकता है, अच्छा नहीं ये यहाँ पे लिखा हुआ है C2H2O4 लिखा हुआ है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमसे पूछ रहे हैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, माजरत इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो सबको 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि सबसे छोटा नंबर 2 है, तो सी 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ओ ऑक्सीजन 4/2 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, ऑक्सीजन 2/2 बच जाएगा 1, तो ऑक्सीजन 1 आ जाएगा, तो CH2O ये हमारे हमारा राइट आंसर होगा, CH2O नहीं माजरत एक फिर मैंने गलती कर दी, कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन भी एक है, सही ना, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन जो है 4/2 ऑक्सीजन 2 है, तो ये हो जाएगा CHO2, ठीक है ना, CHO2 माजरत, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, तो नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 30 हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, हमें मास गिवन है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पर कैपिटल एन आ गया, एवोगाड्रो नंबर की जगह पर आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, मास की जगह पर आएगा 18 ग्राम, मोलर मास वाटर का कितना होगा, वाटर का मोलर मास H2O का, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, टोटल मिला के 18 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 18, 18 से 18 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1,
6.02 एक्सपोनेंशियल 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इनमें से कौन सी चीज है कंपाउंड जो है। एयर की बात करें तो एयर तो मिक्सचर है, सही ना, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, तो ये मिक्सचर है, ठीक है ना। कार्बन एक एलिमेंट है, सही है, कार्बन कंपाउंड नहीं है। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है। स्टीम वाटर को कहा जाता है वेपर स्टेट के अंदर जब होता है, और ये कंपाउंड है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, स्टीम हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का पूछा जा रहा है। देखिए बेंजीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इन दोनों को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा C1H1, यानी कि CH एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा बेंजीन का, CH, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है। द सिंबल ऑफ सिल्वर इज, सिल्वर का सिंबल क्या होता है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, Ag, Og, Log, सुनो जी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 34। एमसीक्यू नंबर 34 में पूछा जा रहा है द सिंबल ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर का सिंबल क्या है। तो एवोगाड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, नेक्स्ट एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर 34। एमसीक्यू नंबर 34 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है इथाइल अल्कोहल वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, इथाइल अल्कोहल इनमें से सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था। तो इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करने वाले शख्स का नाम था अल राजी, इन्होंने फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च की थी, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से इन्होंने इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस किया था, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से इन्होंने प्रोड्यूस किया था इथाइल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 37। एमसीक्यू नंबर 37 के अंदर कहा जा रहा है विच वन ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट टू यूज ओपियम एज एनेस्थीसिया, इनमें से कौन से शख्स थे जब सबसे पहले जिन्होंने ओपियम को यूज किया था एज एनेस्थीसिया। तो उनका नाम है अल राजी, अल राजी ने यूज किया था ओपियम को एज एनेस्थीसिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच गैस इज स्टडीड बाय जे ब्लैक, जे ब्लैक ने कौन सी गैस को स्टडी किया था। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जे ब्लैक ने स्टडी किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, हु डिस्कवर्ड द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, इनमें से कौन से शख्स है जिन्होंने एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट को डिस्कवर किया है। तो उन शख्स का नाम है मेंडलीव, मेंडलीव ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर 40 के अंदर, शील डिस्कवर्ड विच गैस, शील ने कौन सी गैस डिस्कवर करी थी। तो शील ने डिस्कवर करी थी क्लोरीन गैस, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 41 के अंदर विच ऑफ दीज साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनमें से कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जाबिर बिन हय्यान को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, या ओल्ड केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, जिसको अल्कीमिया भी कहा जाता है, अल्केमी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 42 के अंदर हमसे कहा जा रहा है हु स्टडीड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन डिटेल, किस शख्स ने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बहुत डिटेल के अंदर समझा था और समझाया भी था, स्टडी किया था, उन शख्स का नाम है फेराडे। फेराडे ने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी पेश किया और फिर सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी, इलेक्ट्रोलिसिस को उन्होंने बहुत बारीकी से स्टडी किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, एमसीक्यू नंबर 43 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वर्क लेवोजियर डिड, लेवोजियर ने क्या काम किया था। लेवोजियर ने यह बताया था कि ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी एयर का 1/5 है, यानी कि ऑक्सीजन गैस हमारी एयर के अंदर 100% नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास है, सिर्फ 20% के आसपास है, 1/5 है हमारी एयर का। तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ये लेवोजियर ने काम किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 44 के अंदर मैडम कैरी, मैडम क्यूरी, मादाम क्यूरी इनको कहा जाता है या मैरी क्यूरी भी कहा जाता है, इन्होंने वैल्यूएबल रिसर्च करी थी किस चीज के अंदर, इन्होंने रिसर्च करी थी रेडियो एक्टिविटी के अंदर।
मैरी क्यूरी और साथ में इनके हस्बैंड थे जिनका नाम था पियर क्यूरी। पियर क्यूरी इन दोनों ने क्या किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी में काफी ज्यादा काम किया था और रेडियम को भी डिस्कवर किया था। लिख देता हूँ, डिस्कवर्ड रेडियम एज वेल, डिस्कवर्ड रेडियम एज वेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू का नाम से पूछे जा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय। सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले बनाने वाले शख्स का नाम क्या था? तो सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले बनाने वाले शख्स का नाम था जाबिर बिन हयान, जिन्होंने गंधक का तेजाब बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। ऑक्सीजन गैस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ऑक्सीजन गैस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम क्या था? सही है, तो ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था जे प्रीस्टली। इनका पूरा नाम था जोसेफ प्रीस्टली। ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में स्टडी दी थी, क्लोरीन गैस के बारे में स्टडी दी थी, शीलन और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया था। आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है रॉबर्ट बॉयल को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 48 पे कहा जा रहा है कैवेंडिश ने 1766 में क्या चीज डिस्कवर करी थी? कैवेंडिश ने 1766 में डिस्कवर किया था हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया था, और इन्होंने वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करी थी। इन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कैलकुलेट किया था। वैल्यू ऑफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिजिक्स में आप पढ़ते ही हैं, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन्होंने कैलकुलेट किया था। वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैलकुलेटेड बाय हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या 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 कहा जा रहा है? 49 पे शैपल ने कौन सी गैस का नाम रखा था? तो उन्होंने ओजोन गैस का नाम रखा था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मोलर मास हमसे पूछा जा रहा है H2SO4 का, कैसे निकालेंगे H2SO4 का मोलर मास? हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 फोर 64, इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 98, 98 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। मोलर मास होगा तो हम उसको, सॉरी, मोलर मास होगा तो हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास होगा तो एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल्स का वेट कितना होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। 3 मोल्स मतलब आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें इसके मोलर मास को, तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23, ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1, इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 40। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 120 ग्राम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 52 का नाम से पूछा जा रहा है, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास होता है, फॉर्मूला होता है NaCl। इसका फॉर्मूला मास निकालेंगे तो सोडियम का 23 और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 58.5 और यूनिट होगा ग्राम। सही ना, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू का नाम से पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 53 के अंदर, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला NH3 नहीं होता, HNO3 होता है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। HNO3, तो HNO3 का निकालना है नाइट्रिक एसिड का मोलर मास। हाइड्रोजन का 1 होगा और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 16 3 48, इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 63 एटॉमिक मास यूनिट। तो 63 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 54, मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4 का। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 फोर 64, तो इन सबको प्लस कर लें, 64 प्लस 3 67, 67 प्लस 31, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 3 9, तो ये हो जाएगा 98 एटॉमिक मास यूनिट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 55 के अंदर पूछा जा रहा है 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल्स का मास कितना होगा? तो 2 अपनी जगह पर है, कैल्शियम के एटॉमिक मास पुट करते हैं 40, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, यहाँ पे ब्रैकेट में सबको टोटल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बन जाएगा 200 ग्राम, यानी के ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है, 23 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सोडियम इनमें से किस चीज के बराबर होगा, कितने मोल्स के बराबर होगा, आपने मोल्स बताने। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमारे पास गिवन है 23 और मोलर मास भी सोडियम का आप चेक करें तो सोडियम का 23 ही होता है। तो यहाँ पे 23 को 23 से डिवाइड करवा दें, 23/23 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 मोल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 57 के नाम से पूछा जा रहा है, 2 मोल्स ऑफ एचसीएल का मास निकालना है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर लें एचसीएल से, 2 मोल्स ऑफ एचसीएल, ठीक है ना। 2 अपनी जगह पे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, 35.5 को ऐड करते हैं 1 के अंदर तो ये हो जाएगा 36.5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 73 ग्राम। 73 ग्राम ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 58 के नाम से पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2, CO2 के 8 ग्राम कितने नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे, हमने ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स अपनी जगह पर रहेगा, मास की जगह पर आएगा 8, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पुट करना पड़ेगा। कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 16 2 32, 12 + 32 हो जाएगा 44। तो 8 को 44 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर आ जाएगा 0.181 मोल्स, 181 मोल्स, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 59 के नाम से पूछा जा रहा है कि मोल्स निकालने हमने 29.25 ग्राम ऑफ NaCl के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास की जगह पे पुट कर देंगे 29.25 और मोलर मास NaCl का कितना पुट करेंगे, देखिए सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 57.5, ठीक है। 57.5 हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा, 29.25 को 57.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, यानी कि 0.5 मोल्स, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, 0.5 मोल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 60 के नाम से पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर इन 5 मोल्स ऑफ कार्बन। 5 मोल्स ऑफ कार्बन में कितने ग्राम ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं सी से, कार्बन के लिए सी का वर्ड यूज होता है, सी का सिंबल यूज होता है। तो 5 अपनी जगह पे है, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, 12 ग्राम, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 60 ग्राम। 60 ग्राम यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यू नंबर 61 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। 180 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे है, एवोगाड्रो नंबर की जगह पे आएगा 6.02 × 23। मास की जगह पे लिख लें 180 ग्राम और वाटर H2O का मोलर मास हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल हो जाएगा 18। तो 18 से डिवाइड कर दें, 18 × 18, 18 × 10 = 180, 6.02 × 23 यहाँ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6.02 × 10^24 मॉलिक्यूल्स, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ये ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई, 6.02 हो गई, एक्सपोनेंशियल 24 ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 62, इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है द नंबर इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला इन अ केमिकल इक्वेशन। वो नंबर जो कि केमिकल इक्वेशन की फ्रंट पे आता है वो नंबर कहलाता है कोफिशिएंट। ये पहले भी आया था एमसीक्यू, जैसे कि लेट से लिखा हुआ है 2NaCl तो ये नंबर फ्रंट पे है तो ये कहलाता है कोफिशिएंट। अगर 2NH3 लिखा हुआ है लेट से, यहाँ पे जो 3 है ये 3 जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो ये सबस्क्रिप्ट वाला नंबर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 63, सिंबल डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हीट को, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 64 पे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन से डील करती है तो वो ब्रांच कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और लास्ट एमसीक्यू हमारा एमसीक्यू नंबर 65, एमसीक्यू नंबर 65 के अंदर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिक्सचर। एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कंपाउंड्स को केमिकली सेपरेट कर सकते हैं और इसी तरह से सब्सटेंस को भी केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन
मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। आई होप कि आपने हमारी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।